पुढची बातमी बघूया। क्रूज ड्रग्स पार्टी प्रकरणामध्ये आता आणखी एका व्यक्तीची एंट्री झालेली आहे। सुनील पाटील हा या ड्रग्स पार्टीचा मास्टरमाइंड असल्याचा आरोप मोहित भारतीय यांनी केला आहे। सुनील पाटील हा राष्ट्रवादीचा नेता असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे। ड्रग्स पार्टी आणि कारवाई सुनील पाटील यांनी घडवून आणल्याचंही मोहित भारतीय यांनी म्हटलं आहे। इतकंच नाही तर मंत्र्यांनी शाहरुख खानकडून वसुली करायची होती असा गंभीर आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे। नवाब मलिक यांनी भाजप आणि एनसीबीला बदनाम करण्यासाठी खोटे आरोप केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे। सरकारचं ड्रग्स प्रकरणाला संरक्षण तर नाही ना असा सवालही मोहित भारतीय यांनी उपस्थित केला आहे। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल, नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यह आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है उसके अंदर भी सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है। कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे। सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए, इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहाँ से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है। और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस हिसाब से एक अधिकारी के ऊपर पिछले एक महीने पे आरोप लगते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बैक होकर हैंड टू हैंड होकर ये कार्रवाई हुई, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है ना कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लेना देना है। ये प्रूफ होता है कि किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, प्रभाकर सेल किरण गोसावी का ड्राइवर है वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, मनीष भानुशाली वो भी सुनील पाटिल का आदमी है, सैम डिसूजा सुनील पाटिल का दोस्त है। तो एक एफिडेविट जो रेड के बाद बना कि जिसके अंदर बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ, जिसके अंदर सुनील पाटिल का आदमी बोलता है कि उसके आदमी खड़े थे, 25 करोड़ रुपए उसने एक अधिकारी के नाम पे मांगा, जो अधिकारी का दूर दूर तक किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात प्रूफ होती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट, एक पूरा षड्यंत्र, बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। अनिल देश